निर्भय की वकील हाथरस वाकिये की पैरवी करेंगी। उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी व हलाकत के वाकिये की गूंज के दौरान दिल्ली की मारूफ खातून वकील सीमा कशवाहा ने हाथरस वाकिये की मुतवफी के अरकान खानदान की जानिब से मुकदमा लड़ने का फैसला किया है। सीमा कशवाहा ने दिल्ली के मशहूर निर्भय इस्मत रेजी व कत्ल वाकये के मुतासरीन की पैरवी कर चुकी हैं। वकील सीमा कशवाहा ने मुतवफिया के अरकान खानदान से मुलाकात की कोशिश की, ताहम उन्हें पुलिस ने मुलाकात से रोक दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीमा कशवाहा ने कहा कि मैं मुतासिरा खानदान से मुलाकात किए बगैर हाथरस से नहीं जाऊंगी। उन लोगों ने मुझसे कानूनी वकील बनने की इस्तेदा की है। उन्होंने बताया कि मुतासिरा के भाई से वो रब्त में नहीं है। कशवाहा दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को नीम तिब्बी अमले की 23 साल तलबा की चलती बस में इज्तिमाई इस्मत रेजी के बाद फौत होने वाली निर्भया मामले की वकील थी। इस मुकदमे में तमाम चार मुलजमीन को सजाए मौत दी गई। अब हाथरस में पेश आए वाकये में 19 साल लड़की को न सिर्फ इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार बनाया गया बल्कि उसे जोदोकोब किया गया जिससे उसके हाथ और कमर टूट गई। बाद अजां दिल्ली के एक दवाखाने में इलाज के दौरान फौत हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दूसरे साल भी मुल्क भर की छठवीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी का मौकूफ हासिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अपने कयाम की 7 साला तकारीब मना रही है ने तालीमी एतबार से कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर अपने मौकूफ को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाया है। जारिया साल एक सर्वे में अलीगढ़ मुस्लिम को हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में छठवां मुकाम हासिल हुआ है। हालिया दिनों मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगियों से मुताल्लुक वेक हंसा रिसर्च सर्वे 2020 मुनाकिद हुआ। इस सर्वे में यूनिवर्सिटीज का तदरीस तालीम तहकीक हवाला जात सनती आमदनी और कौमी व बैनुल अक्वामी तनाजुर के निकात पर सर्वे किया गया जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मस्कूरा निकात में 654 बुनियादी निशानात हासिल हुए। इस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुल्क भर में यूनिवर्सिटीज में छठवां मुकाम हासिल हुआ। इस कामयाबी पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इजहार तमानियत करते हुए कहा कि ये हुसूलियाबी अब तक की उन तमाम हुसूलियाबियों में ज्यादा जामे है जबकि यूनिवर्सिटी अपने कयाम की 100वीं सालगराह मना रही है। उन्होंने इस हुसूलियाबी का सेहरा आला मियारी तदरीस आला मियारी तहकीक और इससे मुताल्लुक उमूर और यूनिवर्सिटी से मुताल्लुक ख्यालात में बेहतरी का नतीजा है। इन तमाम के अलावा यूनिवर्सिटी ने हालिया बरसों में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया है। रैंकिंग कमेटी के सदर नशीन प्रोफेसर सलीम बेग ने कहा कि इस कारकर्दगी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वसी तर होती हुई शनाख्त और कारकर्दगी का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज में अलीगढ़ ने मुसलसल दूसरा साल भी अपनी 6वीं रैंक को बरकरार रखा है। इस्लामी अलहदगी पसंदी से मुकाबले के लिए कानून की तजवीज़। इस्लाम दुनिया भर में बहरान से दोचार, सदर फ्रांस एमैनुअल मैक्रोन का खिताब। सदर फ्रांस ने इस्लामी अलहदगी पसंदी के खिलाफ मुकाबले के लिए एक नया कानून मुतारुफ कराने की तजवीज रखी है। एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस जैसे सेकुलर मुल्क में मुस्लिम शिद्दत पसंदों की जानिब से एक मुतवाजी माशरा कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लाम इस वक्त दुनिया में एक बहरान से दोचार है। ताहम उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी जमहूरिया में बैरूनी मुदाखलत से पाक रोशन ख्याल इस्लाम की बहुत गुंजाइश मौजूद है। उनके मुल्क में कहीं भी किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो मजहब का सहारा लेकर एक ऐसा अलहदा मुतवाजी माशरा बनाने की कोशिश करे जो फ्रांस की इकदार से मुतसादिम हो। फ्रांस में इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है जहां लगभग 60 लाख मुसलमान आबाद हैं। बेशतर मुस्लिम खानदान पुर अमन और इत्तेदाल पसंद है।
हुकूमत के मुजव्वजा कानून पर वहाँ मुस्लिम बरादरी रहनुमाओं में खदशात हैं कि इससे इस्लामोफोबिया और उनके खिलाफ तासुब को मजीद हवा मिलेगी। मैक्रोन के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियती मोहल्लों में मजहबी आज़ादी की आड़ में इंतहा पसंदी, नफरत और तशद्दुद का प्रचार करने वाले फ्रांस के लिए खतरा है। उन्होंने ऐलान किया कि फ्रांस के गली मोहल्लों में इंतहा पसंदी रोकने के लिए हुकूमत एक नया कानून ला रही है। मकतूब रियाज मिंग जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन सऊदी अरब। कोरोना वायरस की महामारी के बाद 7 महीनों की आरजी मुअत्तली के बाद इतवार 4 अक्टूबर से महदूद उम्रे का आगाज किया जाएगा। सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ मक्का मुकरमा में उम्रा जायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक जायरीन को तमाम तर हिफाजती और एहतियाती इकदामात के साथ ग्रुप्स की शक्ल में उम्रा करवाया जाएगा। पहले मरहले में जायरीन को 2 लाइनों में ही उम्रा करवाया जाएगा, जिसके जरिए रोजाना 6,000 अफराद उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। तवाफ की अदायगी के बाद जायरीन को 2 रकत नमाज अदा करने का मौका दिया जाएगा, फिर उन्हें सफा ले जाया जाएगा जहां पर वो सफा मरवा के दरमियान सही करेंगे। मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले में उम्रा अदा करने वालों का हर ग्रुप 100 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जिसे अगले मरहले में बढ़ाकर 150 कर दिया जाएगा। 1 माह बाद बैरूनी जायरीन को भी उम्रे की अदायगी का मौका फराहम किया जाएगा। पहले मरहले में सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम तारिकीन वतन को ही उम्रे की अदायगी का मौका दिया जाएगा। वजारत हज व उम्रा ने खुसूसी मोबाइल ऐप एतमरना के जरिए सऊदी अरब में मुकीम अफराद को उम्रे की अदायगी की दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की थी। मुकामी अखबार के मुताबिक 3,10,000 अफराद ने इंदराज करवाया। ताहम इब्तिदा में 1,08,000 इजाजत नामे जारी किए गए हैं। उनमें 42,873 सऊदी और 65,128 गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। एहतियाती इकदामात के तौर पर हरम शरीफ में हर ग्रुप के दाखिले से कबल और रवानगी के बाद हरम मक्की को सैनिटाइज किया जाएगा। दिन में 6 मरतबा तहारत खानों की सफाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक जीने, व्हील चेयर्स, एयर कंडीशन और इसके फिल्टर्स को भी मुतअद्दद बार सैनिटाइज किया जाएगा। आब जमजम की सबीलें हिफ्जान सेहत के जवाबित के मुताबिक खोली जाएंगी और बोतलें भी तकसीम की जाएंगी। खाने पीने की अशिया हरम शरीफ में लाने की इजाज़त नहीं होगी। लीजिए हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा, किताबों पर तबसरे और अलमकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में मुश्तरिका अफसानवी मजमूए जिहाद, जिसे डॉक्टर इकबाल वाजिद ने मुरतब किया था, इस मजमूए पर डॉक्टर गजनफर इकबाल का तबसरा मुलाहजा फरमाए। उर्दू अफसाने में 1980 के बाद तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। 1980 के बाद का अफसाना अपनी शिनाख्त भी तारीखी और सियासी अवामिल, तकनीक की रंगारंगी और मौजूआत की तब्दीली की असास पर कायम करता है, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी खलाई सरगर्मियों से लेकर मीडिया तक फैली हुई है। 1980 के बाद के अफसाने में इक्तसादी घपले, हुकूमतों की गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी, लाकानूनियत, अवाम की बेइत्मीनानी, 1986 के बाद बाबरी मस्जिद का फिजिया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत जैसे मौजूदात को पेश करते हैं। सऊदी अरबिया की सरजमीन से इकबाल वाजिद की मुरतब करदा किताब जिहाद के नाम से मंजर आम पर आई। इसमें फरहत परवीन, महमूद शाहिद, अजरा नकवी, मजीद सलीम और अबरार मुजीब के अफसाने शामिल हैं। मोहतरमा फरहत परवीन के अफसाने जिंदगी, माशरा और इंसान के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं।
अफसाना आजादी आजाद कैदी में जिंदगी जबर दर्द का नोहा खानी करती हुई महसूस होती है। इस अफसाने की हीरोइन पर अजीबोगरीब कैफियत तारी होती है। परिंदा और मकान को अलामतों के तौर पर बरता गया है। आजाद कैदी का ये मुख्तसर सा जुमला आरी को मुतवज्जा करता है। आवाज वजूद रखती है, आवाज वजूद रखती है, आवाज वजूद रखती है। इकबाल वाजिद ने फरहत परवीन के अफसानों को कीमती और राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने अपने दुख मुझे दे दो से ताबीर किया है। अफसाना झूठी भी जिंदगी की बेसिबाती और तल्ख हकीकतों की तरफ इशारा करता है। ये दोनों अफसाने तकरीबन एक दूसरे का तसलसल महसूस होते हैं। इन अफसानों के अलावा शामिल जहाँ खारी पर मजबूर करते हैं, इनके अफसानों में गम को खुसूसियत हासिल है। फरहत परवीन के तमाम अफसाने एक महवर पर कायम होते हैं, यही इनके अफसानों की खूबी है। महमूद शाहिद के अफसानों पहला कदम ढांचे की मंजर आम पर आ चुका है। जिहाद में शामिल महमूद शाहिद के अफसाने ढांचा से माखूज हैं। ढांचा शिकस्ता खौफ माहौल बाजियाफ्त और नीम के पेड़ से बरामद शुदा शहद नामी अफसाने जदीदियत की अक्कासी करते हैं। मुख्तसर ये कि ढांचा महमूद शाहिद की खास तहरीर है जो इबलाग इफहाम तरसील की एक मानवियत अपने अंदर रखती है। इनके अफसाने उर्दू अफसानवी अदब में ताबनाक और रोशन इश्तियारा हैं। महमूद शाहिद 1980 के बाद अफसानवी अदब पर उभरने वाले एक अहम अफसानेगार हैं। इनके अफसानों में कहीं कहीं महसूस होता है कि अफसाना जारी है। यही अदा महमूद शाहिद के अफसानों की है जो अपने मुनफरिद उसलूब का फनकार करार देती है। अज़रा नकवी के अफसाना निगारी को इकबाल वाजिद खुशबू और जमाल का सफर गर्दानते हैं। यकीनन अज़रा नकवी के तमाम अफसाने खुशबू और जमाल का सफर ही तो हैं। इनके अफसानों में जमालियात खुशबू हर तरफ बिखरी हुई है। अज़रा नकवी के अफसानों का कैनवस फैला हुआ है और पुरकशिश है। इनके अफसाने बसीरत और बसारत का हसीन मुरखा है। मजीद सलीम अफसाना व नावल निगार है। भंवर भंवर जिंदगी के नाम से इनका नावल 1981 में शाया होकर दाद तहसीन हासिल कर चुका है। मजीद सलीम के अफसाने प्यार व मोहब्बत के किस्सों से इबारत हैं। इन्होंने इन मोहब्बत व इश्क के किस्सों को मुख्तलिफ जावियों से अपने अफसानों में ढाला है। मजीद सलीम के अफसानों का इख्तिताम अनोखा और चौंकाने वाला है जो इस एतबार से नई शिनाख्त के अफसाने जाहिर होते हैं। अबरार मुजीब के जिहाद में 5 अफसाने शामिल हैं। अबरार मुजीब के अफसाने जदीदियत के बाद के अफसाने जदीद की तोसी के अफसाने हैं। अबरार मुजीब को अफसानों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने का सलीका आता है। अबरार मुजीब के दिगर अफसाने भी कारी को फिक्र नजर अता करते हैं। इनके अफसाने ठहर ठहर कर पढ़ने पर मजबूर करते हैं जो अबरार मुजीब के तहरीरों का वस्फ खास है। मुख्तसर ये कि मोहतरम डॉक्टर इकबाल वाजिद ने बेहद मेहनत और बेहद मोहब्बत से तमाम 5 अफसानेगारों पर मुकम्मल मजामिल लिखे हैं। इन्होंने एक अच्छी अफसानवी एंथोलॉजी मुरतब की है जो यकीनन नई सदी का अफसानवी अदब का पेश खीमा है। इकबाल वाजिद की ये सही जमीला मन भावन साबित होती है जो नई सदी का अफसानवी अदब को बेज बहा तोहफा भी है। वरक वरक चेहरा किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा।